आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, यानी कि 10+2 की पढ़ाई कर चुके हैं और ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रेजुएशन कितने समय में कंप्लीट होता है, कौन सा कोर्स करना होता है और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ट्वेल्थ ग्रेजुएशन करने के लिए क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि ग्रेजुएशन करने के लिए क्या करना होता है आफ्टर ट्वेल्थ। आफ्टर ट्वेल्थ यानी 10+2 कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए आपको बैचलर डिग्री कोर्स करना होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना होता है, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं यूजी कोर्स। ठीक है, तो आफ्टर ट्वेल्थ आप यूजी कोर्स कंप्लीट करते हैं, यानी कि अपने स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उसे ही कहते हैं ग्रेजुएशन। ठीक है, आपने स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, आपने अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स की पढ़ाई कर ली है, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें ट्वेल्थ पीसीएम वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं और उनकी ड्यूरेशन क्या होती है, यानी कि वे कितने समय में कोर्स कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम में पीसीएम स्टूडेंट्स की। अगर आपने ट्वेल्थ पीसीएम से किया है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ किया है, तो आप बीटेक या फिर बी कोर्स कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कोर्स करते हैं, बीटेक या फिर बी। अगर आप इंटरेस्ट है तो आप बीटेक या फिर बी कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में कई सारे ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेज। तो आप अपने जिस फील्ड में आपको करियर बनाना है, आप उस फील्ड में बीटेक या फिर बी कर सकते हैं। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बीटेक या फिर बी कोर्स कर सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ पीसीएम, आप एलिजिबल हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो बीटेक या फिर जो बी कोर्स है ये 4 साल में कंप्लीट होता है, यानी कि 4 ईयर्स में कंप्लीट होता है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका 4 साल में कंप्लीट होगा अगर आप बीटेक या फिर बी कोर्स करते हैं। इसके अलावा आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, आप मैथ में बीएससी कर सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स में कर सकते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। तो आफ्टर ट्वेल्थ पीसीएम आप बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कर सकते हैं, ये 3 साल में यानी कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है, यानी कि बीएससी करने के बाद आपका जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि बी आर्ट्स, ये 5 ईयर्स का कोर्स है, यानी कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 5 साल में कंप्लीट होता है। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट होगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ प्लानिंग, जिसे शॉर्टकट में बी प्लानिंग कहते हैं, ये कोर्स आप कर सकते हैं, ये 4 ईयर्स में कंप्लीट होता है। इसके अलावा BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स आप कर सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ PCM, ये कोर्स आपका 3 साल में कंप्लीट होता है, यानी कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है, यानी कि BCA अगर आप करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर ट्वेल्थ आपके पास ये कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं PCB स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि अगर आपने ट्वेल्थ PCB से किया है तो आप कौन कौन से बैचलर डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा चूज किया जाने वाला कोर्स है PCB स्टूडेंट्स के लिए, जो कि नीट एग्ज़ाम के थ्रू कोर्स करते हैं, वो है MBBS। आफ्टर ट्वेल्थ PCB आप MBBS कोर्स कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर बात करेंगे MBBS कोर्स करेंगे तो ग्रेजुएशन कितने में कंप्लीट होगा, तो 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होगा। इसमें क्या होता है, 4.5 ईयर्स की आपकी एकेडमिक एजुकेशन होती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होती है। तो इस तरीके से MBBS आपका 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS का जो कोर्स है ये 5 ईयर्स में कंप्लीट होता है। इसमें 4 ईयर्स होते हैं एकेडमिक एजुकेशन के और 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। तो BDS अगर आप करते हैं तो 5 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मेसी का जो कोर्स है ये 4 साल में कंप्लीट होता है, 4 ईयर्स में। तो इसको करने के बाद आपका ग्रेजुएशन 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc आप कर सकते हैं, 3 साल में कंप्लीट होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है, ये भी आप कर सकते हैं। BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये भी कोर्स आप कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप, ये 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। बात कर लेते हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिन्होंने ट्वेल्थ आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट किया है। तो आफ्टर ट्वेल्थ आर्ट्स आप
बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं। ये 3 इयर्स में कंप्लीट होता है, यानी कि बीए 3 साल में कंप्लीट होता है। यानी कि 12th के बाद अगर आप बीए करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आप बीकॉम भी कर सकते हैं, बीकॉम 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये 3 इयर्स में कंप्लीट होता है। बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये कोर्स आप कर सकते हैं, ये 4 इयर्स में कंप्लीट होता है। इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन ये हमने कोर्सेज आपको बताए हैं जो अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि अगर आपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से किया है तो आप कौन कौन से बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बीकॉम का, बैचलर ऑफ कॉमर्स का। अधिकतर स्टूडेंट्स इस कोर्स को करते हैं, ये 3 इयर्स में कंप्लीट होता है, यानी कि 3 साल में बीकॉम कोर्स कंप्लीट होता है। यानी कि अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज ये बैचलर डिग्री कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसके अलावा BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोर्स है जो कि 3 साल में कंप्लीट होता है। आफ्टर 12th कॉमर्स आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA 3 इयर्स में कंप्लीट होता है। कुछ कॉलेजेस जो हैं ये कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स को भी BCA में एडमिशन देते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप BCA कर सकते हैं, 3 साल में कंप्लीट होता है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि BHMM का जो कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स, ये 4 साल में कंप्लीट होता है। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, तो ये डिपेंड आप पर कि हमें कौन सा बैचलर डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप बैचलर डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, अपना यूजी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो समझिए आपने ग्रेजुएशन यानी कि आपने स्नातक की पढ़ाई कर ली है, उसके बाद आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। आप इसमें से किस कोर्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेंशन कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।